बाबर की टीम ने सरफराज की टीम को हरा दिया। पिशावर जलमी अपना दूसरा मैच जीत चुकी है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर दो के ऊपर आ चुकी है। सरफराज अहमद ने आज बहुत बड़ी गलतियां की, वो क्या गलतियां थी आज के मैच के अंदर, इसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद हारिस यार, मतलब कि क्या तेज खेलता है, जिस दिन ये लंबा खेल गया उस दिन जिसको कहते हैं ना मौज हो जाएगी, जब जब इतना जबरदस्त किस्म का टीम को स्टार्ट देता है। और पिशावर की आज के मैच में क्या खासियत थी, इस पर ही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं यार। सबसे पता है आपको सबसे वर्स्ट चीज क्या होती है, जब आपने वीडियो शूट कर लिया फिर एडिटिंग के दौरान आपसे इसको कहते हैं ना डिलीट हो जाए, उसके बाद आप जाके रिसेंटली डिलीट में जाके भी उसको डिलीट कर दें तो ज्यादा तब चढ़ती होती है। मेरे साथ हो चुका है, मैं दोबारा से इस वीडियो को शूट करूं, कुछ देर पहले मैंने मैच के बाद वीडियो शूट की थी। चलो बात करते हैं आज के मैच की। तो यार सबसे पहले तो पिशावर जलमी जिसको कहते हैं टॉस जीत के पहले जिसको कहते हैं बॉलिंग का फैसला करते हैं, चेज करते हैं, ड्यू फैक्टर होता है। उसके बाद जब कोयटा बल्लेबाजी करने आते हैं तो रॉय और गप्टिल बहुत स्लो स्टार्ट लेते हैं, जबरदस्त किस्म का बॉलिंग का स्पेल करते हैं अर्शद इकबाल और वहाब रियाज, अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसी के साथ साथ कोयटा के आउट हो जाते हैं। उसके बाद जिसको कहते हैं सरफराज अहमद ऊपर आते हैं, हफीज को नीचे भेजते हैं, हफीज आता ही नहीं है बल्लेबाजी करने, सारे प्लेयर्स आए थे लेकिन हफीज बल्लेबाजी करने नहीं आता। 154 रन स्कोर करते हैं जो कि मैं समझता था ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हफीज को उन्होंने ऊपर भेजा ही नहीं। और ना इसको कहते हैं ना एंड के ऊपर आके विकेट भी नहीं गिर रही थी लेकिन रन्स भी वो वाले नहीं आ रहे थे। एंड के ऊपर आके ओडेन स्मिथ ने आखिरी ओवर में 16 रन तो मारे, इफ्तिकार अहमद ने 50 भी किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोटा ग्लेडिएटर को शुरू से जिसको कहते हैं ना काफी स्लो स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से ये लोग 154 तक ही पहुंच सके। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी शुरू होती पिशावर जलमी की तो हारिस जिसको कहते हैं आते साथ ही क्या जबरदस्त किस्म का स्टार्ट देते हैं। आपको मैं बता दूं, नसीम शाह और हुसनैन दो तेज बॉलर पाकिस्तान के कोटा की टीम अंदर है, और वो दो तेज बॉलर का अगर आप स्ट्रैट देखें तो वो अलग है और बाकी टीम के स्ट्रैट अलग है, क्योंकि जबरदस्त किस्म का स्टार्ट देते हैं। हारिस बाबर आजम जिसको कहते हैं फीके नजर आते हैं उनके सामने, लेकिन हारिस जिसको कहते हैं उनकी आदत है बस उन्होंने बल्ला ही घुमाना, और बल्ला घुमाते घुमाते हुसनैन की बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। अगली बॉल पे हुसनैन जिसको कहते हैं साइम अयूब जो कि पिछले मैच का हीरो था उसको भी आउट कर देता है। तो ये जिसको कहते हैं ना वापसी करता है कोटा यहां से मैच में। उसके बाद जिसको कहते हैं हुसनैन जब अगला ओवर करने आता है तो टीके सी टॉम कुलिट कैडमोट को भी वो आउट कर देता है। इससे जिसको कहते हैं ना कोटा बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसा लगता है कोटा ले जाएगा, लेकिन बाबर आजम खेल रहे होते हैं। बाबर आजम और रोवन पावल जिसको कहते हैं थोड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं। फिर जो मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर आता है वो था नवाज का, जिसमें वो बाबर आजम पहली बॉल पे उसको चौका मारता है, अगली बॉल पे बाबर आजम LBW आउट होता है। उसके बाद ऐसा लगता है मैच जिसको कहते हैं ना फंस जाएगा, लेकिन जिमी निशम जिसको कहते हैं ना आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का दूसरी पे चौका, उस ओवर में प्रेशर कोटा पे वापस डाल देते हैं। तो ये मैं समझता हूं पिशावर जलमी की आज के मैच में खासियत रही कि इन्होंने जिसको कहते हैं ना अपने ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया, ये तेज खेलते रहे। इनका जो रिक्वायर्ड 100 था वो हमेशा इनके अंडर डाइसी के साथ साथ इन्होंने बड़ा सुकून से खेला है। एंड के ऊपर बेशक मुश्किल हो रही थी लेकिन इनके पास जिसको कहते हैं ना रन अप बॉल इनको खेलना था तो आराम से लोग खेल के शनाका ने फिनिश कर दिया। जिमी निशम आउट भी हो गए थे, रोवन पावल भी आउट हो गए थे, लेकिन नसीम शाह ने बड़ा जबरदस्त किस्म का बोल्ड किया था रोवन पावल को। लेकिन मैं समझता हूं कि खाली दो बॉलर से आप जीत नहीं सकते, आपको जिसको कहते हैं ना एंड पे जिसको कहते हैं और अच्छी बॉलिंग करनी होती है। लेकिन पिशावर के पास आज बैटिंग भी जबरदस्त थी और पिशावर की खासियत ये थी कि पिशावर ने आज बॉलिंग भी अच्छी खिलाई थी, उस्मान कादिर थे, अर्शद इकबाल थे, वहाब रियाज थे, तो अच्छा बॉलिंग पेयर था और शनाका भी खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त T20 क्रिकेट का दासुन शनाका वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में तो वो अखीरी लेवल का, आज नॉट आउट गया, मैच जितवा के गया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पिशावर जलमी को मुबारक हो, बाबर आजम को मुबारक हो, एक और मैच अपने नाम कर लिया। रिजवान की टीम नंबर 1, बाबर की टीम नंबर 2 है, आप अंदाजा लगा लें। PSL के अंदर भी ये दोनों लीड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।